नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज रामलला का सूर्य तिलक हो गया, खुद सूर्य देव का मिलन हुआ रामलला से। उनके मस्तिष्क पर खुद सूर्य देव ने अपनी किरणें मारी। 6 चरणों में ये प्रक्रिया थी। रामलला का आज सूर्य तिलक हुआ। इस मौके पर अयोध्या में भक्तगण इकट्ठे हुए, बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी। और यहाँ पर सल्यूट है उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस बात का पहले से अंदाजा लगा दिया था कि रामनवमी पर सूर्य देव खुद रामलला का सूर्य तिलक करेंगे। मैं आपको बता दूं, अयोध्या में आज भारी भीड़ देखने को मिली। काफी सारे भक्त वहां पर पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज रामनवमी की अवसर की इसकी शुभकामनाएं दी सभी के लिए। वहीं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें रामलला का खुद सूर्य तिलक हो रहा। तो देखा आप रामलला का सूर्य तिलक किस प्रकार हुआ। रामलला का आज रामनवमी के मौके पर सूर्य तिलक हुआ और वर्षों बाद अयोध्या में रामनवमी मनाई गई और इस मौके पर बड़ा हर्ष उल्लास देखा गया। वर्षों बाद वो क्षण आखिरकार आ ही गया जब रामलला अपने गर्भगृह में विसर्जित हुए और उसके बाद आज रामनवमी हुई। मैं आपको बता दूं, आज फिर से वही मौका है। आज तीसरी दिवाली आप बोल सकते हैं जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई गई थी। लेकिन आज रामनवमी है तो शायद ये कहना कम नहीं होगा कि आज तीसरी दिवाली है, क्योंकि उसी तरह का हर्षोल्लास देखा जा रहा है अयोध्या में और पूरे देश में। वहीं मैं आपको बता दूं, सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे विदेशों में भी रामलला की जो रामनवमी है इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शाम के समय में लोग पटाखे फोड़ेंगे, शायद इस तरह का माहौल आज पूरे देश में आपको देखने को मिल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं तरुण दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।